किसी ने जाके उनकी विधवाओं से पूछा? किसी को मालूम है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? किसी को मालूम है कि उनकी वाइफ के पास जॉब है कि नहीं? सिर्फ कहने से क्या होता है? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो सिंगल हैं और कुछ कह नहीं सकते। तो सिंगल अब तक क्यों? कोई लड़की भाव ही नहीं देती। इसमें दिखाया जाता है हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार। तो ये देखो भाई, यहाँ कोई दीवार नहीं है, दोनों एक साथ बैठे हैं। भाई साहब कौशल नसीम है, भाई साहब शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग की दोस्ती देख के। जी कल हम बिल्कुल शहीदों को याद करेंगे, नमन करेंगे और हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 14 फरवरी है। दुनिया के अधिकतर देश कल के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत ही दुख भरा क्षण है। 2019 में हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ, जिस अटैक में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। तो आइए लोगों से हम जानते हैं कल का दिन वो किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं। कल जैसे कि 14 फरवरी है, हाँ। तो आप क्या मनाएंगे 14 फरवरी के दिन? क्या मनाऊं, वैलेंटाइन डे तो सबके लिए एक ही है। क्या नाम होगा आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, क्या मनाएंगे आप? क्या मनाना सर, रोज ही वैलेंटाइन है हमारा तो। रोज ही वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन के अलावा भी कोई स्पेशल डे है? कोई स्पेशल डे? सारे स्पेशल डे हैं बेसिकली, मदर फादर मेनली हमारे लिए वो है। कल के दिन ब्लैक डे भी मनाया जाता है, क्या पता है आप लोग? हाँ, ब्लैक डे भी मनाया जाता है। वहाँ पर जम्मू में जो हुआ था कांड, जो पुलवामा में जी, 40 जवान शहीद हुए थे। मैडम पता है आपको? मुझे नहीं पता। अभी पता चल गया? अभी पता चली। तो कल आप क्या करेंगे? ऐसे ही घूमूंगी, देखती हूँ क्या करते हैं। पुलवामा में शी वाज फ्रॉम आउटसाइड एंड शी डिडंट नो अबाउट दैट। ये बाहर से आए हैं तो इनको बताऊंगा मैं उस बारे में भी, तो जो भी उस बारे में बता रहा हूँ बताऊंगा इनको, अवेयर कराऊंगा उस बारे में भी, ताकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन के अलावा उस दिन का भी मालूम होना चाहिए लोगों को। भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जिनको नहीं पता है उनको भी अवेयर करेंगे और जो इनके साथ पार्टनर हैं इनको भी अवेयर करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि जो इस चीज़ को जिम्मेदारी समझ रहे हैं अपनी। और देश के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे 40 से ज़्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरा दिन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जितने जो लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी बताएं कि भाई कल का जो दिन है वो ब्लैक डे है और भारतीय सेना के सम्मान में आप उनको श्रद्धांजलि दें और जो भी आपसे पॉसिबल हो सके वो काम करें। कल 14 फरवरी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो सिंगल हैं और कुछ कह नहीं सकते। तो सिंगल अब तक क्यों? कोई लड़की भाव ही नहीं देती। ऐसा क्यों भाई? शायद शक्ल नहीं खराब है। नहीं यार, ये देखो भाई ने बड़े ही दुख भरे अंदाज में बताया कि शक्ल ही अच्छी नहीं है। तो इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल लड़की लोग जो है पैसों के पीछे भागती है बस। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कल हमारे देश के अंदर 14 फरवरी के दिन बहुत ही दुख भरा दिन है, आपको पता है उसके बारे में? हम लोग तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, हम लोग तो ब्लैक डे मनाते हैं। ब्लैक डे क्यों मनाते हैं? उस दिन हम पुलवामा अटैक हुआ था, उनमें 40 से अधिक शहीद, 40 से अधिक शहीद हुए, जवान शहीद हुए थे हम लोग के, तो इसलिए हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं उस दिन। जैसे कि सुना आपने, भाई ने हमारे को बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि ये भाई हमारा उस दिन मतलब अपना वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे और उस दिन ब्लैक डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप भी साथ में क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं तो कुछ नहीं, बस उन्हीं के सपोर्ट में। कल जैसे कि ब्लैक डे भी है, उसके हाँ। लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नथिंग एट ऑल। नहीं, ये तो हमारे देश का गंभीर मुद्दा है, मतलब हाँ, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि लोग वैलेंटाइन डे को छोड़ के इस पे यानी फोकस करें, ब्लैक डे पे। तो क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना के लिए, दो शब्द कहें? भारतीय सेना क्या बताए। चलो कोई नहीं भाई, ज्यादा नर्वस से हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ब्लैक डे है और इस दिन हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ 2019 में और हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए, तो ये मैसेज अधिकतर जो लोग हैं और अपनी कम्युनिटी में भी इसको कन्वे करें मैसेज को,
और लोगों को जागरूक करें। शिवम श्रीवास्तव। शिवम जी, कल 14 फरवरी है, आप क्या सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि अब बाकी जितने भी कपल्स हैं सबको बेस्ट विशेष बोलूंगा 14 फरवरी के लिए, और अच्छे से मनाइए, अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, सब कुछ अच्छे से करिए बस। बताते समय आप थोड़ा सा एक उदासी भरे वे में बोला आपने कि मैं नहीं सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा क्यों? मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है, हम और मेरे दोस्त जो आए हम लोग का कल इंटरव्यू है, तो उस काम के सिलसिले में हम दिल्ली आए। बेसिकली हम लोग वाराणसी से बिलोंग करते हैं, ये भाई साहब हमारे पंजाब से हैं, और इसलिए मैं सारे कपल्स को यहाँ के जितने भी सबको बेस्ट विशेस करना है। कल 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे के अलावा भी एक बहुत ही दुख भरा दिन है, क्या आपको पता है? हाँ पता है, पठानकोट का बम ब्लास्ट है सर, पुलवामा हमला। पुलवामा हमला का, उसके लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा वहाँ के लोगों को जिन्हें, और अपने सैनिकों को, अपने इंडियन आर्मी को भी, और बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। और जिन लोगों को नहीं पता उनको ये मैसेज कन्वे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको नहीं पता उसको पहुंचाऊंगा जरूर। किसी ने जाके उनकी विधवाओं से पूछा, किसी को मालूम है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? किसी को मालूम है कि उनकी वाइफ के पास जॉब है कि नहीं? सिर्फ कहने से क्या होता है, असली श्रद्धांजलि तो वो है ना, मैं ये मानती हूँ, बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर मायसेल्फ ना, मुझे ये फील होता है, इसलिए सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है कि जी जाके ना फूल दे दो वो दे दो, आई डोंट बिलीव इन दैट। हम सब की, लेट्स नॉट पुट ऑन द गवर्नमेंट, मोदी के ऊपर नहीं डालेंगे प्लीज, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास बहुत काम है, यू एंड मी कैन ऑल्सो स्टार्ट, मैं तो अपने लेवल पे करती हूँ, बिकॉज दीज आर थिंग्स नॉट टू स्पीक ऑन द ये सब करके ना, तो बट आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कैसे मतलब? ट्राई टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज, जिन्होंने हमारे लिए अपनी फैमिलीज को अकेला छोड़ दिया, वो हमारे लिए छोड़ा था, वी हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। क्या नाम होगा आपका? कौसर नसीम। कौसर जी, कल 14 फरवरी है, पता है आपको क्या है? पता है। क्या सेलिब्रेट करेंगे कल? सेलिब्रेट नहीं करना है, लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 14 फरवरी दूसरी नजर से लोग देखते हैं, जबकि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, जितने लोग हैं उनको नमन करें, नमन करें, दिल से नमन करें। क्या नाम होगा आपका? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, आपने नाम क्या बताया? कौसर नसीम। देखो ये एक मिसाल देखने को, जिस तरह से टीवी डिबेट्स में दिखाया जाता है हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार, तो ये देखो भाई यहाँ कोई दीवार नहीं है, दोनों एक साथ बैठे, भाई साहब कौसर नसीम है, भाई साहब शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी बहुत अच्छा लगा आप लोग की दोस्ती देख के जी। तो कल आप क्या करने वाले हैं? 14 जी नमन करेंगे उन्हें, बिल्कुल नमन करेंगे, भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए थे जी, बिल्कुल नमन करेंगे, और जिन्हें याद नहीं उन्हें कहेंगे कि उन्हें याद दिलवाएंगे कि कल हुआ क्या था, और नमन करेंगे। मेरे राय में तो कैंडल दिवस बनाना चाहिए। एक और सबसे जरूरी मैसेज देना चाहूंगा, जितने शहीद लोग होते हैं उनकी जो बीवी हैं, पत्नियां हैं, उनको हर चीज, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पेंशन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, उनको सबको आके उनके घर पे बैठ के सिग्नेचर करवाना चाहिए बीवी से, ताकि उसको सब फैसिलिटीज मिल सके, ना कि उसको धक्के खाने चाहिए सरकारी ऑफिसों में। और सरकारी ऑफिस में जब कोई पत्नी जाती है तो उसको पता होता है कि उसको क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस किस की नजरों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़।